सावधान, स्मॉग ने आपके शहर में भी डेरा डाल दिया है और इसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, लोगों की आंखों में जलन से परेशानी हो रही है। घर से बाहर निकलना भी दुश्वार हो गया है। आंखों से पानी निकलना और आंखें लाल होना आम बात है। लोगों को बार बार आंखों में पानी के छींटे मारने पड़ रहे हैं। आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीर लखनऊ की है। देख सकते हैं किस तरह से पूरी राजधानी स्मॉग की चपेट में है। तो दिवाली के बाद से ही वायु प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ गया है और उसकी वजह से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। आगरा की हालत ये है कि हवा में कई टॉक्सिस गैसें मौजूद हैं। पूरे शहर में धुआं ही धुआं है। कबाड़ जलाने से हवा और जहरीली होती जा रही है और इसकी वजह से लोगों को आंखों में जलन होने लगी है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आपको बता दें कि हवा सांस और हृदय के मरीजों के लिए काफ़ी घातक साबित हो सकती है। तो स्मॉग से लोगों की दिक्कतें परेशानियां बढ़ी हुई है। सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, आंखें लाल हो रही है, आंसू निकल रहे हैं। लोगों की परेशानी यहां पर बढ़ गई है और इसको देखते हुए प्रशासन ने स्कूल में भी छुट्टी का ऐलान किया था। तो आपकी सांसों में जहर घोल रहा है। और इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता शिवा जुड़ गए हैं। सीधे रुख करते हैं शिवा का। शिवा, बजाहिर तौर पर लोगों की दिक्कतें इस स्मॉग ने बढ़ा दिया है और इसे दूर करने के लिए सरकार या प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? शिवा, क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए, शिवा से हम संपर्क करेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि स्मॉग की वजह से लोगों की दिक्कतें परेशानियां बढ़ती हुई नज़र आ रही है। स्मॉग की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, चेहरे पर रैशेज हो रहे हैं, आंखों में जलन हो रही है, तमाम तरह की दिक्कतें यहां पर लोगों को पेश आ रही हैं। ख़ास तौर से बुज़ुर्गों और बच्चों को यहाँ पर खास एहतियात बरतना होगा, क्योंकि ये हवा अब जहरीली हो चली है। धुएँ में लिपटी ताज नगरी, हर कहीं स्मॉग ही स्मॉग नज़र आ रहा है। हालांकि इसमें थोड़ी कमी ज़रूर दर्ज की गई है, लेकिन स्मॉग से लोग खासे परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत हो रही है स्मॉग की वजह से।